बेबी डोंट वरी, जब तक तुम मेरे साथ हो ना मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरी वैक्सीन की वो सिंगल डोज हो जो मुझे हर खतरे से बचाएगी। विभू जी तुम्हारे लिए चिंता नहीं हो रही है, मैं बस ये सोच रही हूँ कि वो जो हमें फोन कर रहा है लगातार, वो पकड़ा गया कि नहीं। नहीं पकड़ा गया यार। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि पुलिस को मालूम ही नहीं है कि हमें धमकी भरे फोन आ रहे हैं। पुलिस डजंट नो। पुलिस डू नो। हाउ? मैंने बता दिया, मैंने पुलिस कमिश्नर को फोन करके बता दिया। तुम पति पत्नी के बीच की बात किसी गैर आदमी के सामने क्यों ले गई? बात सिर्फ पति पत्नी की नहीं है, पति पत्नी और वो के बीच की है। पता तो चलना चाहिए हमें कौन कर रहा है ऐसे फोन। कॉल करने से पहले मुझे बताया होता, मुझसे पूछ तो लेती फॉर गॉड सेक्स यार। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है विभू, कोई हमें थ्रेटनिंग कॉल्स कर रहा है, पकड़े नहीं जाने चाहिए वो दोनों। यार कुछ और रीजन हो सकता है उसके फोन करने का, कोई और वजह हो सकती है। हो सकता है कि वो मजबूर, हो सकता है कि वो मजाक कर रहा हो यार। और मजाक मजाक में सर भी फोड़ दिया। हेलो अनिता जी। हेलो सर। हेलो। हेलो अनु। हेलो कंटेनर साहब। भाभी कंटेनर में इनके कच्चे बनियान आते हैं, आप कमिश्नर साहब कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं आप। ओके, जो अनु आपको बोली थी। ऑफ कोर्स, हमने आप लोगों के पिछले दो दिन के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकाले कि कौन सा फोन कहां से आया था। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आप दोनों औरतों ने अपनी अपनी आस्तीन में सांप पाल रखे हैं। वो भी एक अजगर और एक कोबरा। मतलब ये कि आपको जो धमकी वाले कॉल आ रहे थे वो आपके सामने खड़े हैं ये दोनों। व्हाट? दैट व्हाट? तिवारी जी ने आपके यहाँ पर कॉल किया था और अंगूरी जी, विभूति जी ने आपके यहाँ पर धमकी वाला कॉल किया था और आपने देख लिया। अपने तिवारी जी, अगर आप मेरे माथे में बंदूक लगा के मुझसे वो फोन ना करवाते आज हमें ये दिन देखने ना पड़ते। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कोई मजबूर, असहाय, परेशान, बेसहारा आदमी क्या करेगा? अगर कोई इसकी बंदूक लगा देगा माथे पे तो वो क्या करेगा? यही करेगा जो मैंने किया। ओ प्लीज विभू, हम सब जानते हैं कि तुम कैसे हो। अपने पापों का बिल ना इनके सर पे मत फोड़ो। थैंक यू भाभी जी। का थांकू? का थांकू? आई बोलने से कौन हो आप? बेकसूर नहीं हो जाते हैं, आप भी एक नंबर के फ्रूट हैं। फ्रूट नहीं, फ्रॉड होता पगली। सही पकड़े हैं। कितना सताया आप हमरी अनु को। और कितना सताया तुमने मेरे एंजी को। कमिश्नर सर, अरेस्ट देम। कैसी बातें कर रही हो अनु? ओह प्लीज, आज के बाद मुझे अनु सिर्फ मेरी एंजी बुलाएगी। एंजी? चुप। आई हक केवल अनु को है। देखिए ये फिरौती वाला केस है मनोहर। यस सर। अरेस्ट देम। जी सर। हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर करो। भाग गए वो। अब देख क्या रहो, पकड़ो। यस सर। टीका मलखान टिल्लू, तुम तीनों के लिए एक अच्छी खबर है एक बुरी खबर है, पहले कौन सी सुनाऊं? अरे डॉक्टर साहब, बुरी तो हम रोज ही सुनते हैं, तुम अच्छी वाली सुना दो बस। तो अच्छी खबर ये है कि टीका की रिपोर्ट किसी की रिपोर्ट के साथ बदल गई थी। कहने का मतलब ये है टीका की किडनी है ना हाथी की किडनी की तरह एकदम मजबूत और तंदुरुस्त है, कुछ नहीं हुआ इसे। सारे गाल में छेद करे हुए कहा? डॉक्टर साहब, भगवान ने मेरी सुन ली। डॉक्टर साहब, भगवान ने ठीका। डॉक्टर साहब, एक कंफ्यूजन था, आप कह रहे थे कि रिपोर्ट बदल गई है। डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट के साथ बदली आती? यही तो बैड न्यूज है, तुम्हारी रिपोर्ट टिल्लू की रिपोर्ट के साथ बदल गई थी। और टिल्लू की दोनों किडनियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करना है, वरना टिल्लू कभी भी टें बोल सकता है। डॉक्टर साहब, दिल छोटा मत ना करे, सारे बात कर रहा हूँ, संभाल अपने आप को। डॉक्टर साहब देखो,
ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे टीका की रिपोर्ट बदल गई थी वैसे टिल्लू की भी रिपोर्ट बदल गई हो। नहीं नहीं, इस बार मैंने अच्छी तरीके से रिपोर्ट चेक किया है। अब तो टिल्लू किसी से किडनियां पाएगा या फिर सीधा जाएगा। देखा टिल्लू, देखा तूने, जो है ऊपर वाले का जजमेंट। तू हमेशा लोगों के गुर्दे छीलते आया था ना, आज ऊपर वाले ने तेरे गुर्दे छीन लिए। ए ऊपर वाले, कैसा किया है तूने मेरे साथ मजाक। लेकिन इतनी जल्दी ना आने का मैं तेरे पास, क्योंकि मेरे पास है दो प्यारे दोस्त। दोस्त है डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे टीका मलखान एक एक किडनी मुझे दे देंगे। किडनी देंगे, टिल्लू ठीक हो जाएगा, बस आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। दे दोगे ना मलखान? हाँ। वो देख सफेद उल्लू। हाँ यार, काफी दूर है। अरे लगता पुलिस आ रही है, हमारे तो टांगे कांप रही है। तिवारी जी, आप मरवाएंगे, चुप रहिए। देखिए बबूती जी, आपका तो एक पाँव हवालात में और एक घर में रहता है, आपको आदत है, लेकिन हम ठहरे शरीफ आदमी भाई, हमने कभी ये बदतमीजी कर रहे हैं आप। मैं एक आध बार चला गया छोटे मोटे केसेस के लिए हवालात, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मतली पास बना रखा हवालात का। लेकिन फिर भी वो कमिश्नर साहब ने एक दिन पहले ही हमें पकड़ा था, वार्निंग देके छोड़ा, समझा कीजिए। जस्ट काम डाउन, जस्ट काम डाउन। ओके, दो चार दिन छुप के रहेंगे ना, मामला ठंडा हो जाएगा। ओके, अपने आप से कहिए, आई एम स्ट्रांग। आई एम स्ट्रांग। यस यू आर स्ट्रांग। आई एम स्ट्रांग। यस यू आर स्ट्रांग। आई एम स्ट्रांग। यू आर स्ट्रांग। ये क्या पागलपन है, तेरा दिमाग खराब हो गया? हाथ रखने से पहले कम से कम बोल तो सही, छूने से पहले। माय गॉड, डरा दिया एकदम से। अबे ओ विभूति, मेरे जो दिल में आएगा मैं वही करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। पैसे की बना बत्ती और डिसाइड कर क्या करना है उसके साथ। अरे यार, लेकिन आप यहाँ आए काए हो? मैं तुम दोनों के लिए एक खुशखबरी लाया हूँ, तुम दोनों बहुत जल्द कुंवारे होने वाले हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम दोनों की बीवियां तुम दोनों को छोड़कर गोवा जा रही है। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? मुझ पर भरोसा नहीं है सालों? अबे गोवा जाने की खुशी में तुम दोनों की बीवियों ने तो आज रात को पार्टी भी रखी है, और तेरी बीवी ने तो मुझे भी इनवाइट किया है। तुम दोनों को इनवाइट नहीं किया? अरे हाँ, तुम दोनों के पीछे तो पुलिस पड़ी हुई है ना। तुम दोनों एक काम करो, यहीं छुपो, तब तक तुम्हारी बीवियां निकल जाएगी। तेरी जवनिया चवन प्राश है, तेरी जवनिया चवन प्राश है, चाटो हमारी। दोस्त, तेरे लिए प्रसाद लेके आया हूँ यार। प्रसाद? हाँ। क्या बात है यार, देसी घी के लड्डू यार। हाँ सुन मैं, हाँ, हाँ। का बात के लिए लड्डू चढ़ा दिए यार? यार मैंने तेरे लिए और टिल्लू के लिए लंबी उम्र की मन्नत मांगी है गई भगवान से। हाय, जान ले ली तूने मेरी यारा, जान ले ली यार। यार टिल्लू तो गड़बड़ रह सकता है, लेकिन मैं तो हट्टो कट्टो हैंडसम दिख रहा हूँ यार, मेरे लिए मन्नत क्यों मांगी बे? ठीक यार, अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन किडनी देने के बाद भी तो आदमी ठीक रहना चाहिए। भैया ये ऑपरेशन ना बहुत रिस्की होता है, इसलिए मैंने तेरे लिए और टिल्लू के लिए ऊपर वाले से लंबी उम्र की मन्नत मांगी है भी। हाँ। जब आके तूने मन्नत भी मांग ली और प्रसाद भी चढ़ा दो। हाँ यार, और तूने खा भी लियो, जा को मतलब मन्नत पूरी जरूर होएगी। कमीने आदमी, तूने ये मन्नत अपने लिए क्यों नहीं मांगी मैं? ठीक है, तू जानते हो यार मेरा दिल बहुत बड़ा है यार, मैंने आज तक भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा यार। क्योंकि तू भिखारी है सारे, बकवास कर रहे हो फालतू की। क्या ये तूने अपने लिए क्यों नहीं मांगी मन्नत? बकवास कर रहा बिना बात की, तू एक नंबर को स्वार्थी आदमी है। देख यार,
जा मैं स्वार्थी की बात नहीं है यार, देख टिल्लू दोस्त तो अच्छा है यार, लेकिन इंसान बहुत गलत है, घटिया आदमी है एकदम। अरे इंसान तो तू भी कैसे है, मुझे आज समझ में आ गया हुआ है। साले दोस्ती करेंगे। तमीज से बात कर और चुपचाप से ना टिल्लू को किडनी दे दे। मोको अपनी किडनी न देनी तो को देनी, तू दे दे ये किडनी है, कोई बेसन को लड्डू ना है, समझ गो ना, जान अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह पे है, तो को देनी तू दे दे जाके। दोस्ती के गुर्दे फोड़ दिए इन्होंने। देख अच्छी कह रहा हूँ, मान जा बात, मान जा किडनी दे दे। नहीं तू क्या कर लेगो? नहीं देगो? हाँ। सारे नहीं दोगे ना तो यहाँ से चाकू घुसेड़ूंगा और तेरी दोनों किडनी बाहर निकाल लूंगा। सब्जी को कद्दू है तो डाल के निकाल लेगो। हाँ। निकाल के दिखा सारे मुच्छा। निकाल के दिखाऊं? हाँ। बात कर रहा सारे। इन्होंने तो दोस्ती की मैयत निकाल दी। आई लाइक इट। अरे आप लोगों ने कुछ लिया कि नहीं? ले तो रहे हैं भाभी जी। हम मैं इनसे पूछ रही थी। चिप्स खा लीजिए। आई नो, माय बेबी, माय डार्लिंग। हाय दिया, तुम ही हरे ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हो, एकदम पोपट की तरह। एंड यू आर लुकिंग स्मैशिंग इन योर साड़ी। Also, now we are free birds. क्या बोले? मतलब अब हम आजाद पंछी हैं। हम गोवा जाएंगे और अपनी लाइफ खुद के लिए जिएंगे। हाँ ठीक बात। ये कसम खा के कह रही हूँ भाई, सच में यार मैं बहुत लकी हूँ, सच में यार, कि मुझे तुम जैसे दोस्त मिले। आज के दौर में कोई कच्चा देने को तैयार नहीं होता और तुम दोनों यार अपनी किडनी देने को तैयार हो गए। सच में यार, दोस्ती हो तो टिल्लू टीका और मलखान जैसी। बस कर पगले रुलाएगो का। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। हेलो सर, एंड थैंक यू सो मच। वैसे तो आपके थैंक यू पे मुझे बेहद खुशी हुई, पर अगर ये भी पता चल जाता कि ये थैंक यू किस खुशी में है तो मेरी खुशी शायद दुगनी हो जाती। सर, अगर आप नहीं होते तो हम दोनों को हमारे पतियों की असली चेहरे कभी दिखते ही नहीं। हाँ सच्ची, हम तो कभी सपने में भी ना ही सोचे थे कि लड्डू के भैया अबॉर्शन करेंगे। भाभी जी, वो एक्सटॉर्शन होता है। सही पकड़े हैं, हम ना ही सोचे थे कि वो फिरौती बिरौती के चक्कर में है। विश आई कुड से द सेम। विभु इतना बदमाश है ना कि वो अपने बदमाशी में कोई भी सीमा पार कर सकता है। सो आई एम ऑनेस्टली नॉट वेरी सरप्राइज्ड। भाभी जी, आप पहली पत्नी हैं जो अपने पति के रग रग से वाकिफ हैं, वरना यहाँ तो हर पत्नियाँ अपने पति को देवता मानकर उनकी पूजा करती रहती हैं, जैसे मेरी पत्नी शालू। रियली? मेरा ही फोन बज रहा है। देखिए, याद किया और फोन आ गया। मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है मेरी बीवी। अच्छा, हम भी सुने, स्पीकर डालो। हेलो डार्लिंग। हेलो के बच्चे। हाँ, घर में इतना सारा काम पड़ा है, कपड़े नहीं धुले, बर्तन साफ नहीं किए, और कहाँ गुलचर्रे उड़ा रहे हो तुम? रॉन्ग नंबर मैडम। रॉन्ग नंबर के बच्चे, अगर मेरा फोन काटने की तुम्हें हिम्मत भी की ना तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आके तुम्हारे सारे पुलिस के सामने मार मार के तुम्हारी चमड़ी उधर दूंगी। हाँ। मैडम, आपका वॉशरूम कहाँ है? जल्दी जाइए। ये दोनों इस पार्टी में जबरदस्ती घुस आए दिखते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अलड्डू के भैया, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हम तुमसे मिलने आए हैं पगली। अनु, गोवा का ये क्या चक्कर है? पगली, तुम हमारे बिना रह लोगी क्या? हमारे बिना रह लोगी का क्या मतलब है? हम दोनों को आपकी जरूरत नहीं है। शू
भागी से कुत्ते की तरह दूध कर रही हो। खबरदार अगर हिलने की कोशिश करो। मिस्टर साहब हिल तो आप रहे, हम तो सब खड़े हुए। और बाय द वे आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं? हमें धोखा देने के जुर्म में। हाँ, एक ठो नंबर के फ्रॉग हैं आप दोनों। अभी जी फ्रॉग मतलब मेंढक होता है, वो तो ये है। आप फ्रॉड कहना चाह रही हैं? सही पकड़ा। हाँ बस बहुत हुआ पगली, तुमको पता भी है कि इस बदमाशी का सहारा में क्यों लेना पड़ा? एक्चुअली हम दोनों डर गए थे कि कहीं हम तुम दोनों को खो ना दें। तुम दोनों ऐसे नशे में चूर हो गई थी दोस्ती की कि हमें तुम लोग भूल गए थे, इसलिए। एग्जैक्टली, हम भी आपको यही फील करवाना चाहते थे। व्हाट यू मीन, क्या मतलब? आइए का मतलब पूछ रहे हैं, पहली बार ही आपके मुंह से सुनकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वेल, हम आपको ये फील करवाना चाहते थे कि जब आप दोनों अपनी दोस्ती में चूर होकर रात रात भर जब घर नहीं आते थे तो हमें कैसे फील होता होगा। याद है आपको लड्डू के भैया, आपको आवाज देते रहते थे आ जाइए आ जाइए, लेकिन आप सुनते भी ना ही थे हमरा। मेरा मन करता था विभू कि तुम्हारे पूरे के पूरे 64 दांत मैं तोड़ दूं। भाभी जी वो 32 होते हैं, है ना विभू जी? आप बीच में बोलने वाले थे ये मुझे पता था, इसलिए आपके भी मैंने 10 काउंट कर लिए। भाभी जी फिर तो सिर्फ 22 दांत बचे है गए। हाँ 10-10 आपके भी तो है। लेकिन भाभी जी फिर भी तो 2 दांत बचते हैं। वो तुमरे तोड़ देंगे हम। वो भी आगे के देखना ही रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ जो हैं वो स्टॉक कर रहे हैं। अभी स्टॉक तो हम करते हैं आपको। वो आप टॉक कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। अब ऐसे भी आप दोनों को सही रास्ते पर लाने के लिए ये नाटक किए रहे हैं। नाटक जी, कोई भी गोवा वो नहीं जा रहा है। आई लव यू पगली। आई लव यू टू। आई लव यू बेबी, आई लव यू। आई नो। तो ये बताइए कि इस कहानी से आप दोनों ने क्या सबक सीखा? यही सबक मिला कि दोस्ती करो लेकिन लिमिट में करो और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। और तुमने? जब बीवियां बजाने पे आती हैं तो सिर्फ बैंड नहीं बजाती, वो पूरा ऑर्केस्ट्रा बजाती। तो महफिल सजी है, हो जाए शेर व शायरी। बिल्कुल, आइए 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 आइए, चलिए। तो दोस्तों अर्ज किया है इरशाद। वैसे तुम लोग ये जानना चाहोगे कि तुम लोगों की दोस्ती कितने पानी में है? मैं कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा चल, तेरी बात बड़ी करी मैंने। हाँ। मान लिया कि मेरी किडनी खराब है। हाँ। क्या ऐसी सिचुएशन में टीका मुझे अपनी ये किडनी देता? कतई नहीं देता यार। तो फिर हम दोनों उसको किडनी क्यों दें? किल्लू दोस्त तो अच्छा है यार, लेकिन इंसान बहुत गलत है, घटिया आदमी है एकदम। अरे इंसान तो तू भी कैसे है, मुझे आज समझ में आ गया है। मोको अपनी किडनी न देनी तो को देनी, तू दे दे ये किडनी है, कोई बेसन को लड्डू ना है, समझ गो ना। जान अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह पे है, तो को देनी तू दे दे जाके। ठीक है मलखा, तूने भी मुझे सारे मुंह से का बोल रहे हो सारे? जा टिल्लू से भी तो बोल धी के लट से, सबसे पहले ना इसी ने बोली थी। साले तेरे धी के लट से ना लट निकाल के तेरे सर पे मारूंगा भुतनी के। तू कौन सा किडनी देने को तैयार हो गया था? तेरे मन में भी तो चोर था। और तू बड़े सती सावित्री आ रहे हो, तेरे मन में चोर ना है? तू तो सारा खानदानी चोर है, बकवास कर रहे हो। अबे तेरे खानदान का तो पता नहीं है भुतनी के, पता नहीं कहां से आ गए, कौन सी बताई है साले। तेरे तो मोहल्ले में तुम दोनों क्या कर रहे हो, नंगे घूमते रहते हो? यस, लड़ो सारे, लड़ो लड़ो, मार दे एक दूसरे को। आ क्या बात, आई लाइक इट। फाइनली तुम तीनों महान दोस्तों की दोस्ती की पोल खुल गई। एक मिनट सक्सेना जी, इनकी दोस्ती की असली पोल खुलनी अभी बाकी है और वो पोल मैं खोलूंगा। सक्सेना जी आप गलत थे। हाँ ये बात सच है कि ये तीनों लड़े थे आपस में, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये तीनों मेरे पास अकेले में आए थे और एक दूसरे के लिए किडनी डोनेशन फॉर्म भर के गए। सक्सेना जी ऐसी दोस्ती मैंने आज तक नहीं देखी, महान है भाई। तेरा यार हूं मैं। अरे घी कलट तो तुम
तुम दोनों भी। तू क्या सोचता है मुच्छल, दोस्ती निभानो सिर्फ तुझे आता है? हम तीनों को आता है यार, और मॉडर्न कॉलोनी के हम त्रिदेव हमेशा साथ रहेंगे और दिल से दोस्ती निभाते रहेंगे यार, दिल से। हरी मोरी मैया, इन तीनों ने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं भी इनका दोस्त बनूंगा। दोस्ती, आई लाइक इट। मुझे भी अपना दोस्त बना लो। दोस्त बना लो। तेरी तो आई लाइक इट।